सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। सो गाइस, यहाँ पे हमारे पास दो पेबल के स्मार्ट वॉच है एंड दोनों स्मार्ट वॉच का आज के इस वीडियो में कंपैरिजन करने वाले हैं। पहली है हमारे पास पेबल की क्रेस्ट एंड दूसरी तरफ है पेबल की फ्रॉस्ट प्रो। सो गाइस, दोनों रिसेंटली स्मार्ट वॉचेस लॉन्च हुए एंड दोनों स्मार्ट वॉच आते हैं अंडर 2000 रुपीज एंड एक दिखती है एप्पल वॉच अल्ट्रा की तरह एंड दूसरी दिखती है एप्पल की सीरीज 8 की तरह। सो गाइस, आज की इस वीडियो में करेंगे इन दोनों स्मार्ट वॉच का कंपैरिजन, स्टार्ट करेंगे इसके बिल्ट इन डिजाइन के साथ, फीचर्स के बारे में बात करेंगे, वाटर रेजिस्टेंस, चार्जिंग की, बैटरी बैकअप के बारे में बात करेंगे एंड गाइस, वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि आपको पेबल की क्रेस्ट को परचेस करना चाहिए या फिर आपको पेबल की फ्रॉस्ट प्रो को परचेस करना चाहिए। जैसे कि मैं स्मार्ट वॉच खुद ही परचेस करता हूँ एंड खुद ही आपके लिए जेन्युइन रिव्यूज लाते रहता हूँ। सो गाइस, आप हमारे चैनल पर नए हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर दीजिए। 5 के सब्सक्राइबर्स होती है 5 स्मार्ट वॉच एंड 5 एयरबड्स का गिव अवे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं इन दोनों स्मार्ट वॉचेस के कंपैरिजन। तरफ है पेबल की फ्रॉस्ट प्रो एंड दूसरी तरफ है पेबल की क्रेस्ट स्मार्ट वॉच। सो गाइस, इन दोनों स्मार्ट वॉच का आज के स्टूडियो में कंपैरिजन करने वाले एंड दोनों स्मार्ट वॉचेस 2000 रुपीज में आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इनके बिल्ट एंड डिजाइन से। तो गाइस, जब मैं बात करूँ दोनों के बिल्ट एंड डिजाइन की, तो गाइस मेटेलिक फ्रेम दिया गया है एंड यहाँ पे इस स्मार्ट वॉच में 2.5D कर्व्ड ग्लास दिया गया है। इसमें यहाँ पे इस पे इन्फिनाइट डिस्प्ले एंड गाइस, यहाँ पे पीछे बात करूँ तो दोनों ग्लास फिनिश में आते हैं। हार्ट रेट, एस्पीडो सेंसर्स दिए गए, यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा एंड स्ट्रैप की बात करूँ तो सिलिकॉन का स्ट्रैप दिया गया है। तो गाइस, स्ट्रैप की क्वालिटी काफ़ी तगड़ी है एंड यहाँ पे आपको मिलेगा पेबल फ्रॉस्ट प्रो में 20mm का एंड पेबल की क्रेस्ट में आपको 22mm का स्ट्रैप है वो दिया गया है। तो गाइस, यहाँ पे बात कर देंगे इन दोनों के डिस्प्ले की। यहाँ पे आपको पेबल की फ्रॉस्ट प्रो में 1.96 इंच का डिस्प्ले मिलता है, पेबल की क्रेस्ट में 2.2 इंच का HD डिस्प्ले वो दिया गया है। जो है कि तो गाइस, मुझे तो यहाँ पे कोई भी लैग फील नहीं हो रहा, स्मार्ट वॉच को आराम से आप यूज है वो कर सकते हो। एंड बात करूँ स्मार्ट वॉच कौन सी ज़्यादा लैग करती है, तो गाइस पेबल क्रेस्ट ज़्यादा लैग करती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो वॉच यू है में ये पेबल फ्रॉस्ट प्रो है वो जीत जाती है। तो गाइस, यहाँ पे फीचर्स की बात करो तो गाइस यहाँ पे आपको दोनों में वर्किंग क्राउन दिया गया, तो इस तरीके से यहाँ पे वॉच फेस को चेंज है वो कर सकते हो। काफ़ी बढ़िया बढ़िया वॉच फेस दिए गए। नीचे के दोनों बटन स्पोर्ट मोड्स के लिए एंड यहाँ पे पेबल फ्रॉस्ट प्रो में आपको ऑन एंड ऑफ कर बटन दिया है, स्पोर्ट मोड्स का बटन नहीं दिया गया। पेबल के फ्रॉस्ट प्रो के फीचर्स की तो गाइस नीचे स्वाइप करते क्विक शॉर्टकट्स दिए गए, ब्लूटूथ टॉर्च का ऑप्शन दिया गया तो टॉर्च काफ़ी ब्राइट है, ब्राइटनेस का ऑप्शन दिया गया, स्पोर्ट मोड्स यहाँ पे एंड यहाँ सब मेन्यू स्टाइल चेंज कर सकते हो। ये म्यूजिक कंट्रोल भी दिया गया, लेफ्ट साइड स्वाइप करते स्प्लिट स्क्रीन है, राइट साइड स्वाइप करते यहाँ पे आप वॉच फेस इस तरीके से चेंज है वो कर सकते हो। राइट साइड से भी ऐसे कर सकते हो मगर हाफ, यहाँ पे आपको स्क्रीन को टच करना है, फुल करोगे तो यहाँ पे आपको स्प्लिट स्क्रीन है वो दिख जाएगा। नीचे स्वाइप करते ही फीचर शो हो जाता है, जैसे कि फोन कॉन्टैक्ट, कॉल लॉग, मैसेज, स्टेप, स्लीप, सेंड रिमाइंडर, म्यूजिक कंट्रोल, फाइंड माई फोन, अलार्म दिया गया है। सेटिंग्स की बात करो तो ब्राइटनेस, रेस्ट, वेकअप, स्क्रीन टाइम आप 60 सेकेंड तक स्मार्ट वॉच को ऑन रख सकते हो। वाइब्रेशन, मेन्यू स्टाइल, लैंग्वेज, फाइंड माई फोन, पासवर्ड का भी ऑप्शन दिया तो ये बात काफ़ी बढ़िया है। रीस्टार्ट एंड शट डाउन का बटन है वो दिया गया है। ब्राइटनेस डाउन, हार्ट रेट 2048 एक गेम दिया गया है, ब्लड ऑक्सीजन, लैंग्वेज, पोर्ट, वेदर अपडेट, स्टॉप वॉच, कैलकुलेटर भी दिया गया है तो यहाँ से आप कर सकते हो। वॉइस असिस्टेंट, जेन मोड एंड कॉलिंग मोड यहाँ पे ऑन एंड ऑफ आपको करना है वो यहाँ से सेट है वो कर सकते हो। सो गाइस, यही थे इनके फीचर्स पेबल की फ्रॉस्ट प्रो के। अभी आ जाते हैं हमारे पेबल की क्रेस्ट पे। नीचे स्वाइप करते हैं यहाँ पे आपको क्विक शॉर्टकट्स दिए गए, सेटिंग्स का ऑप्शन दिया गया तो यहाँ पे ये स्मार्ट वॉच जैसे कि आप देख सकते हो लैग कर रही है। D&D मोड दिया गया एंड गाइस यहाँ पे आप ब्राइटनेस आई में यहाँ पे आपको दिया गया, पावर सिंक मोड दिया गया। सो गाइस, जैसे कि देख सकते हो बहुत ही ये स्मार्ट वॉच लैग कर रही है। टॉर्च का ऑप्शन दिया गया तो टॉर्च भी काफ़ी डिम था पेबल फ्रॉस्ट प्रो के मुकाबले। लेफ्ट साइड स्वाइप करोगे तो यहाँ पे आपको स्प्लिट स्क्रीन शो हो जाएगा, तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट साइड स्वाइप करोगे तो मैसेज शो हो रहा है, मैसेज तो नीचे के लिए। तो गाइस, अगर इस तरीके से आप जोर से करोगे तभी यहाँ पे आपका स्प्लिट स्क्रीन दिख जा रहा है। राइट साइड स्वाइप करते हैं एक्टिविटीज, हार्ट रेट, स्लीप दिख रहा है, ब्लड ऑक्सीजन दिया गया है, जेन मोड एंड यहाँ से आप जेन मोड ऑन भी हो गया है गाइज, मैं तो ऑन करना ही नहीं चाहता इसको। तो गाइज, जैसे कि देख सकते हो डिस्प्ले काफ़ी लैग हो रहा है, तो गाइज ये बात कुछ तो करना चाहिए पेबल को। यहाँ पे आपको कॉल लॉग दिख जाएगा, टाइमर एंड यहाँ से ऐड कंपोनेंट्स है वो कर सकते हो। नीचे स्वाइप करते ही मैसेज शो हो जाएंगे एंड इस बटन पर टैप करोगे तो फीचर्स दिख जाएंगे, जैसे कि स्पोर्ट, हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन, स्लीप, सारे फीचर्स सेम है। एंड गाइस, यहाँ पे आपको कैलेंडर भी दिया गया जो कि पेबल फ्रॉस्ट प्रो में मिसिंग है, एक चीज़ यहाँ पे ज़्यादा है। एंड गेम्स भी यहाँ पे दो दिए गए एंड वहाँ पे 2048 जो कि बोरिंग गेम है वो उसमें दिया गया। तो गाइस, ये था इन दोनों स्मार्ट वॉच इसके फीचर्स के डिफरेंस में। दोनों स्मार्ट वॉच में हम हार्ट रेट को ऑन ऑफ कर देते हैं तो यहाँ पे मेजर पे टैप कर दिए, इधर से भी यहाँ पे हम हार्ट रेट को ऑन कर देते हैं। हम यहाँ पे 87 बता रहा है, यहाँ पे तो 115 बता रहा है। तो गाइस, यहाँ पे दोनों का हार्ट रेट काफ़ी मिलता जुलता तो नहीं है, यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे रीडिंग दूर बता रही है
ब्लड ऑक्सीजन को भी यहाँ पे हम देख लेते हैं। बोलता हूँ कि ये मेडिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये सिर्फ डेली आइडियाज के लिए होती है। अगर आप सीरियस हेल्थ इश्यूज के साथ सफर कर रहे हो तो ये स्मार्ट वॉच पे रिलाई मत करना। सो गाइस SpO2 में यहाँ पे 95-97 बता रहा है एंड यहाँ पे क्रैश में भी 97% शो कर रहा है। तो वे SpO2 तो थोड़ा मिलता जुलता है। अभी देख लेते हैं इस स्मार्ट वॉच में से कौन सी स्मार्ट वॉच टेबल्स मेजर करती है एंड कौन सी नहीं करती। सो गाइस जैसे कि देख सकते हो पेबल फ्रॉस्ट प्रो ने यहाँ पे 95% बताया एंड पेबल की क्रैश ने यहाँ पे बताया प्लीज वेयर योर वॉच प्रॉपरली। तो गाइस ये तो फेक रीडिंग नहीं बता रही, पेबल की क्रैश यहाँ पे हेल्थ शूट में जीत जाती है एंड पेबल। हेलो भाई। हाँ बोलिए। आपको क्या लग रहा है स्मार्ट वॉच से बात कर रहे हो? फोन से नहीं नहीं आवाज ठीक ठाक आ रही है, अच्छी आ रही है क्या? हाँ आवाज कैसी आ रही है, अच्छी आ रही है क्या? हाँ क्लियर आ रही है। हाँ पेबल की क्रैश स्मार्ट वॉच थी ना तो उससे बात कर रहा था, तो अभी वो लॉन्च हुई थी तो मैं बोला कॉलिंग टेस्ट कर लेते, तो आवाज अच्छा है ना? हाँ क्लियर आ रहा है। हाँ तो कंपैरिजन कर रहा हूँ तो पेबल फ्रॉस्ट प्रो का भी, अभी मैं आपको कॉल करता हूँ तो आप मुझे बता देना कि कॉलिंग किसका अच्छा है ज़्यादा। ठीक है। हाँ हेलो भाई। हाँ बोलिए भाई। अभी आपको कैसा आवाज आ रहा है? पेबल का फ्रॉस्ट प्रो जो स्मार्ट वॉच है उससे बात कर रहा हूँ, इसका थोड़ा लाउड एंड क्लियर आ रहा है। इसका अच्छा लग रहा है क्या उससे, पेबल क्रेश से? जैसे की कॉलिंग टेस्ट में हमारी पेबल की फ्रॉस्ट प्रो है वो जीत गई है। तो दोस्तों यहाँ पे बात करो बैटरी बैकअप की, तो गैस दोनों स्मार्ट वॉच में आपको 7 डेज का बैटरी बैकअप दिया जाएगा एंड गैस अगर आप 120 मिनट चार्ज करोगे तो फुल्ली स्मार्ट वॉच दोनों चार्ज हो जाएगी। सो गैस ये तो कंपनी का कहना है, मगर गैस यहाँ पे स्मार्ट वॉच के बैकअप की बात करो तो मैंने इसे पर्सनली यूज़ किया तो मुझे 4-5 डेज का बैटरी बैकअप आराम से मिल गया एंड विथ कॉलिंग 1-2 दिन आराम से है वो चल जाएगी। सो गैस स्मार्ट वॉच का बैटरी बैकअप काफ़ी तगड़ा है। तो गाइस आ जाते हैं हमारे मेन कंक्लूजन की तरफ, तो आपको पेबल की फ्रॉस्ट प्रो को परचेस करना चाहिए या फिर पेबल की क्रेस्ट को। सो गाइस मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो बिल्ड एंड डिज़ाइन में पेबल की क्रेस्ट काफ़ी बढ़िया है पेबल फ्रॉस्ट प्रो के मुकाबले। फीचर्स की बात करूँ एंड डिस्प्ले की बात करूँ तो पेबल फ्रॉस्ट प्रो जी जाते हैं, क्योंकि जिसमें कोई भी लैगिंग इशू नहीं है एंड जो कि यहाँ पे पेबल क्रेस्ट में हमें देखने को मिला था। बैटरी बैकअप तो दोनों में सेम ही है, कॉलिंग में पेबल की क्रेस्ट हार जाती है एंड पेबल फ्रॉस्ट प्रो जैसे कि हमारे भाई ने बोला था कि पेबल फ्रॉस्ट प्रो का आवाज़ काफ़ी बढ़िया था, तो गाइस उसमें भी यहाँ पे हमारी पेबल फ्रॉस्ट प्रो जीतती है। तो गाइस कंक्लूजन की बात करूँ तो पेबल फ्रॉस्ट प्रो मुझे काफ़ी तगड़ी लगी। सो गाइस वीडियो में सारी चीज़ें लाइव टेस्टिंग किए थे, तो गाइस आप स्मार्ट वॉच पे जज कर सकते हो कि आपको पेबल की फ्रॉस्ट प्रो को परचेज करना चाहिए या फिर पेबल की क्रेस्ट को। गाइस मिलता हूँ अगले वीडियो में किस नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू दोस्तों।